नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। 20 नवंबर यानी कि कल मतदान होने वाले हैं। ऐसे में भले ही प्रचार का शोर शांत हो गया हो, लेकिन पार्टियों के बीच चुनावी घमासान अभी भी शांत नहीं हुआ है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक जुबानी हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को एक अलग अंदाज में पेश कर भाजपा पर तीखा कटाक्ष किया, तो उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। तो वहीं अब राहुल गांधी के इस वार को लेकर बैकफुट पर आ रहे विपक्ष राहुल गांधी के तिजोरी वाले दाव के बाद अचानक फ्रंट फुट पर नजर आने लगा है। जी हां, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का पलटवार शुरू हो गया। कैसे, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे पर तीखा कटाक्ष किया और उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है में सेफ मुंबई की संपत्ति का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से गौतम अडानी मुंबई की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी का ये प्रयास गलत समय पर गलत डिसीजन नहीं है। राहुल गांधी बार बार उन्हीं मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं जो पिछले चुनावों में पिट चुके हैं। हालांकि आरोप वही पुराने हैं, लेकिन इल्जाम लगाने का तरीका जरा बदल गया है। पहले सफेद चादर से ढकी तिजोरी दिखाई, फिर तिजोरी खोली और दो पोस्टर निकाले जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर और एक तरफ धरावी का प्रोजेक्ट। राहुल गांधी ने इन पोस्टर को दिखाते हुए सवाल किया कि आखिर सेफ कौन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी राज में सिर्फ अडानी सेफ हैं और देश की जनता अनसेफ है। उनके इन आरोपों के बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया, उल्टा आरोप मढ़ा कि कांग्रेस का हाथ सदा से अडानी के साथ रहा है, यानी कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी ने पोस्टर जारी किया तो बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया। राहुल ने पीएम और अडानी पर हमला करते हुए पोस्टर दिखाया, वहीं बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी का पोस्टर लहराया। बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी भावना उसे सेफ का अर्थ वैसा ही समझ आया। सुनिए, और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं बंसों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है, यही एक गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को जनता का जनादेश दुनिया के सामने होगा। अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बाजी मारेगी या फिर महायुति को एक बार फिर मौका मिलेगा। क्या हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एक है तो सेफ है वाला नारा बहुमत दिला पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।